दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 20 से 26 अगस्त 2022 तक की 13 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। 8वीं 10वीं 12वीं पास के लिए भी यहाँ पर बड़ा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के समस्त राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिजिकल डिटेल, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 20 से 26 अगस्त 2022 तक की टॉप 13 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, सीमा सड़क संगठन BRO के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। बात अगर यहाँ पर इसमें पोस्ट की जाए तो इसमें पोस्ट है ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर स्वीपर, सुपरवाइजर स्टोर्स, हिंदी टाइपिस्ट, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैक स्मिथ और मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक की टोटल 240 वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई करने की विद इन 60 डेज है। नोटिफिकेशन पब्लिश होने से 60 दिन बाद इसकी लास्ट डेट होगी। 10वीं 12वीं डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 27 वर्ष आयु सीमा है। ₹50 फीस है। SC ST PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न फिजिकल मेडिकल से चयन होगा। ऑफलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो BRO.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब है वो निकली है BSF में, हेड कांस्टेबल की भर्ती है। 1312 पद खाली है। यहाँ पर 20 अगस्त से 19 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 4 के अंतर्गत से ली है। 10वीं 12वीं पास ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए ₹200 फीस है। SST के लिए और फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न फिजिकल मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो निकली है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस में, मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है। आर्मी के अंतर्गत 420 पद है। 20 अगस्त से 18 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। 85,000 सैलरी है। MBBS PG डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 और 35 वर्ष आयु सीमा है। ₹200 फीस है। बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो AMCSSCEntry.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो भी ITBP में ही निकली है। कांस्टेबल पियोनियर के लिए 108 वैकेंसीज है। 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। ₹100 फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न फिजिकल मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब है वो भी ITBP में ही निकली है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की भर्ती है। 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 6 से अंतर्गत सैलरी है। 12th GNM से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ₹200 फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। रिटर्न फिजिकल स्किल टेस्ट मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब है वो भी ITBP में ही निकली है। असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है। 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है। डिग्री इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। ₹400 फीस है। SC ST फीमेल के लिए नहीं है। फिजिकल रिटर्न मेडिकल इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जॉब है वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली है। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 7 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। 12th बैचलर डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, लॉ डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी ₹250 फीस है। SST के लिए नहीं है। रिटर्न फिजिकल मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते
हो जो इन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट सी डेक डॉट इन पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर की जॉब निकली है वो भर्ती भी BSF में ही निकली है। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, 323 पद खाली है, 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 4 और 5 के अंतर्गत सैलरी है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है, ₹100 फीस है, SST फीमेल के लिए नहीं है। रिटर्न फिजिकल मेडिकल से चयन होगा, ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर की जॉब है वो भी इंडियन नेवी में निकली है, ट्रेड्समैन मेट की भर्ती है, 112 पद है, 6 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी है, 10th पास ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है, फीस जमा नहीं करनी होगी, रिटर्न से चयन होगा, ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो joinindiannavy.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर की जॉब है वो भी SSC में निकली है, JEE की भर्ती है, 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी है, डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 32 वर्ष आयु सीमा है, ₹100 फीस है, SST फीमेल के लिए नहीं है। पेपर 1st और 2nd से चयन होगा, ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो SSC.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर की जॉब है वो भी SSC में ही निकली है, स्टेनोग्राफर की भर्ती है, 20 अगस्त से 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 1-2 के अंतर्गत सैलरी है, 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 27 वर्ष आयु सीमा है, ₹100 फीस है, SST फीमेल के लिए नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पर चयन होगा, ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो SSC.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 12th नंबर की जॉब है वो भी SSC में ही निकली हुई है, सब इंस्पेक्टर SI की भर्ती है, 4300 पद है, 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी है, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है, ₹100 फीस है, SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और फिजिकल से चयन होगा, ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो SSC.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 13 और लास्ट नंबर की जॉब है वो इंडियन नेवी में निकली है, 10+2 BTEC कैडेट एंट्री स्कीम के माध्यम से भर्ती की जाएगी, लास्ट डेट 28 अगस्त है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो joinindiannavy.gov.in पोर्टल से। तो दोस्तों ये थी 20 से 26 अगस्त 2022 तक की टॉप 13 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो, लिंक यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।